बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब चंगे भले होंगे, बहुत खुश होंगे। आज आपको मैं राजमा रशियन सैलेड बनाना सिखाऊंगी सिंपल तरीके से, और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और कुछ लोग सिर्फ शादियों में ये रशियन सैलेड ही खाने के लिए शादी अटेंड करते हैं, तो उनके लिए सोखा इलाज निकाल लिया है हमने। तो आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी सिंपल तरीके से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इमली ली है, इसको भिगो दिया है, और 10 मिनट पहले इसको भिगोया था। अब इसको अच्छी तरह से हाथों से मैं मैश करूँगी और इसका एक प्लम निकाल लूँगी अच्छा सा। इसकी गुठलियाँ हमने अलहदा कर लेनी है। इसको अच्छी तरह से मैश किया है मैंने, और अब इसकी गुठलियाँ जो है वो मैं अलहदा कर लूँगी। सिर्फ हमें इसका पानी चाहिए। इसमें हमने पानी ऐड करके इसको पतला नहीं करना, जो इसका ऑलरेडी आपने पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया वही चलेगा इसमें। और यहाँ पर आप देखिए, इतना सा थिक हमें बैटर चाहिए इसका, और ये बिल्कुल रेडी है। इसके बाद एक मिक्सिंग बाउल ले लें बड़ा सा, इसमें डाल दें एक प्याली उबले हुए राजमा, लाल, ये लाल कलर के हैं, उबाल लिया है इनको मैंने। इसके बाद एक प्याली इसमें जाएंगे सफ़ेद चने, और ये भी उबले हुए हैं। इसके बाद इसमें जाएगा 6 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है, 6 टेबलस्पून जाएगा। और यहाँ पे 6 टेबलस्पून मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। अगर आप चॉप नहीं करना चाहते तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इसके बाद शिमला मिर्च हैं, ये जाएंगे 5 टेबलस्पून, इनको बॉयल नहीं किया मैंने। इसके बाद ये इमली की जो इमली का प्लम था जो, ये डाल दूंगी इसमें मैं, ये जाएगा 5 टेबलस्पून। तमाम इंग्रेडिएंट मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालूंगी, थोड़े से डाल के उसको मिक्स कर लूँगी, फिर थोड़े से डाल के उसको मिक्स करूँगी। इसके बाद 3 टेबलस्पून है मेरे पास टमाटो केचप, ये डाल दूंगी, ये खट्टेपन को बैलेंस करेगी, इसलिए टमाटो केचप इसमें लाजमी तौर पे यूज़ होती है। इसके बाद इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी दौरान जो चैनल पे न्यू है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल का बटन ऑन कर दे। ये आप सबकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और एक इनाम होता है। यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसमें मज़ीद जाएगा 2 टेबल स्पून प्याज, उसके बाद 3 टेबल स्पून जाएगा इसमें टमाटर बारीक चॉप किया हुआ है ये भी। इसके बाद 3 टेबलस्पून इसमें जाएगी इमली की चटनी, यानी कि इमली का प्लम जो निकाला हुआ था हमने, वो डाल देंगे इसमें। इसके बाद इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। अभी भी कुछ इंग्रेडिएंट मेन जो हैं वो डालने बाकी हैं, जिसमें हमेशा लोग गलती कर देते हैं, और उसकी वजह से उनकी सारी जो राजमा चाट है वो बेकार जाती है। मिक्सिंग के बाद इसमें जाएगी 1/4 टी स्पून सुरह मिर्च का पाउडर, और 1 टी स्पून जाएगा इसमें नमक, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा मज़ीद चाट मसाला। स्पाइसेस को आपने बहुत ही लाइटली रखना है। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पाइसेस जो है वो लाइट होती है। और इसको मिक्स करने के बाद हमारा जो चटपटा सा राजमा रशियन सैलेड है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसको अब हम करेंगे डिश आउट। देखिए आप, इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल शादी ब्याह वाला ये लग रहा है। और टेस्ट भी इसका 100% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल ये शादियों वाला रशियन सैलेड ही है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब आपको शादी में जाके स्पेशली इसका वेट करने की और इसको खाने की ज़रूरत नहीं, अब आप घर में इसको जल्दी से रेडी कर सकते हैं, और 15 मिनट के अंदर ये बन जाएगा। इजी, टेस्टी, सिंपल है। आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब ट्राई करें तो हमें ज़रूर बताइएगा कि जब आपने ट्राई किया तो ये किस तरह की बनी थी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।